प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम लाइफ यानी कि स्वागत जिंदगी दे अज दे इस लैक्चर विच मैं जोगिंदर कौर तुहाडा स्वागत करती हाँ। अज असी करन जा रहे हाँ जमात छेवीं पाठ तीजा सेहतमंद परिवारिक संबंध भाग दूजा। बच्चियो, पिछले भाग विच असी सिखिया कि असी अपने परिवारक संबंधां नूं परिवार दे मैंबरां नूं किदां चंगी तरह समझ सकते हैं, एक समझ की भावना किदां साढ़े विच आ सकती है, उन्हां नूं चंगी तरह जानना, उन्हां बारे सोचना, उन्हां दी मानसिक स्थिति बारे सोचना, उन्हां दीआं चंगीआं माड़ीआं गल्लां, उन्हां दे सुभाअ दे पिछे दे कारण की कारण हन, असीं इह सब जाणिआ। अज असीं गल करांगे अपनी साडा सुभा ते साडा साडे परिवार दे विच योगदान। सब तो पहला आओ असी ये जानने की कोशिश करिए कि साडे परिवार नाल साडे संबंध किहो जिहे हन। इस दे लई असी तुहाडी किताब विच दित्ती सारणी मेरे संबंध की मदद लवांगे। इस सारणी विच कुल 10 स्टेटमेंट्स हन अते तुसी इन्हां स्टेटमेंट्स नूं पढ़ के हमेशा कदे कदे या कदे नहीं विच उत्तर देंदे होए ये वेखना है कि तुहाडे विहार विच वो गल किन्नी कु ढुकदी है। पहली स्टेटमेंट है कि मैं अपने माता पिता नाल आदरपूर्वक गल करदा या करदी हाँ। इस स्टेटमेंट दे अनुसार अपने व्यवहार नूं परखदे होए तुसी हमेशा कदे कदे या कदे नहीं ते अपनी किताब विच निशान लगाओ। दूसरी स्टेटमेंट है बच्चियो कि मैं घर दे काम विच हथ वंडाउंदा या वडाउंदी हाँ। तीसरी स्टेटमेंट है कि मैं अपने भैन भरावां नाल मिलजुल के रहंदा या रहंदी हाँ। तुसी देखना है बच्चे कि तुसी हमेशा मिलजुल के रहंदे हो या कदे कदे या कदे नहीं। चौथी स्टेटमेंट है कि गलती करन ते मैं माफ़ी मंग लैंदा या लैंदी हाँ। पंजवीं स्टेटमेंट है बच्चियो कि मैं अपने माता पिता दे एक वार कहन ते ही काम कर दिंदा या दिंदी हाँ। छेवीं स्टेटमेंट है कि मैं अपने कमरे की सफाई खुद करदा या करदी हाँ। साड़ी सत्तवीं स्टेटमेंट है कि मैं भैन भरावां नाल हर वस्तु वंडदा या वंडदी हाँ। ते अठवीं स्टेटमेंट है कि मैं अपने माता पिता नाल कीता वायदा पूरा करदा या करदी हाँ। नौवीं स्टेटमेंट, मैं सब नाल हसदा खेडदा रहंदा या रहंदी हाँ। साड़ी दसवीं अते आखरी स्टेटमेंट है बच्चियो कि मेरी मंग पूरी ना होण ते भी मैं शांत रहंदा या रहंदी हाँ। इसनू तुसी अपने घर दे मुताबक वेखना बेटे कि घर विच जो तुहाडी डिमांड है, जो तुहाडी मंग है, जो पूरी नहीं होई तां तुसी शांत रहोगे या नहीं रहोगे या कदे कदे रहोगे। बच्चियो, ए सी साड़ी सारणी मेरे संबंध। तुसी इस विच दित्तियां सारियां स्टेटमेंट्स जो असी कीतियां उन्हां नूं अपने वर्ताव दे नूं वेखदे होए, अपने वर्ताव नूं वेखदे होए तुसी उन्हां नूं उन्हां दे अगे निशान लगाने हन। हमेशा जेकर तुसी ओ हमेशा ही करदे हो, कदे कदे जेकर ऐदा हुंदा है कि किसे वेले तां तुसी हाँ वो गल नूं मन्नदे हो, किसे वेले तुसी उस तों उल्ट व्यवहार भी करदे हो, अते कदे नहीं विच जेकर तुसी उस तुहाडे विच ओ चीज़ नहीं है तां। ते इस तों बाद तुसी अपने आप नूं अंक दोगे अपने द्वारा लगाए हुए, अपने द्वारा दित्ते हुए उत्तरां दे आधार ते। हर हमेशा लई, हमेशा जे तुसी जिथे जिन्ने भी तुहाडे उत्तर हमेशा विच आए ने उस दे लई अपने आप नूं 3 अंक दो। जिन्ने तुहाडे उत्तर कदे कदे विच आए उहनां नूं 2 अंक दो, अते जिन्ने तुहाडे उत्तर कदे नहीं विच आए उहनां लई 1 अंक।
ते अपने सारे अंकां दा टोटल करो। देखो तुहाडे तुहानू किन्ने अंक प्राप्त होए। बच्चे तुहाडे घट तो घट अंक 10 होणगे अते वध तो वध अंक 30 होणगे। जिन्ने तुहाडे अंक 30 दे नेड़े होणगे उन्ने ही तुसी अपने संबंधों की अहमियत दे बारे ज़्यादा अवेयर होंगे, ज़्यादा कोशिश करते होंगे घर दे विच सुखावां माहौल सुखावें संबंध रखण दे। ते जेकर तुहाडे अंक 10 दे नेड़े हन तां हो सकता है कि तुसी घर विच माहौल सुखावां ना रखते होवो ते तुहाडे संबंध जिहड़े ने वो खराब हो सकदे। ते इन्हां सारियां स्टेटमेंट्स नूं ध्यान विच रखदे होए जिहदे विच तुहाडे अंक घट आए हन उहनां नूं ते बाकी गल्लां नूं सारियां नूं ध्यान विच रखदे होए तुसीं अपनी कोशिश जरूर करनी है कि अपने वल्लों अपने घरेलू अपने परिवारिक संबंधां नूं सुधारन लई तुसीं हर संभव कोशिश करनी है। बच्चिओ परिवार विच रहन दे कोई निश्चित तौर ते पक्के बने हुए नियम नहीं हुंदे। तुसी वेख्या होएगा कि जेकर साडा वर्ता साडा सुभाअ चंगा नहीं है तुसी किते भी चल जाओ तुहाडे से स्कूल जाओगे तुहाडे नाल तुहाडे क्लासमेट्स ने जो बैठते ने वह तुहाडे नाल लड़ पैण, हो सकदा तुहाडे नाल ना बैठन जे तुहाडे सुभाअ विच कोई भी तुसी छेती मान लो लड़ पैंदे हो तुहाडे मित्र घट होणगे। लेकिन एक परिवार तुहाडे मित्र तुहानू छड्ड देणगे जेकर तुहाडा वधिया सुभाअ नहीं है। लेकिन एक परिवार ही ऐसी जगह है तुहाडे परिवारिक मैंबर ही है वह लोग हन जिहड़े हमेशा ये कोशिश करनगे कि इहदा सुभाअ थोड़ा सा सुधर जावे पर कदे तुहानू छड्डणगे नहीं, हमेशा तुहाडे नाल रहणगे हर समस्या विच हर कठिनाई विच किसी भी तरह का समा हो किसी भी तरह का तुहाडा सुभाअ हो परिवार हमेशा तुहाडे नाल खड़ेगा। तो अपने परिवारिक संबंधों को सुधारण लिए आप कुछ कु नियमों की गल करांगे। अपने परिवार के विच जिन्हां की पालना करनी है तो अपने परिवार के माहौल नूं सुखावां बनाना है ये नियम सब दे लई हुंदे आ बेटे तुहाडे लई भी ते तुहाडे परिवारिक मैंबरां दे लई भी। लेकिन हमेशा शुरुआत अपने आप तो हुंदी है। सब तो पहला तुसी इस इन्हां नियमां दी पालना शुरू करोगे ते फिर हौली हौली दूसरियां दे विच इन्हां गुणां नूं विकसित करोगे। पहला नियम जिस दी तुसी पालना करनी है वह है आदर, रिस्पैक्ट। आदर करो परिवार दे विच तुसी दूसरियां नूं आदर सन्मान बनदा जिहड़ा उहनां दा हक आदर है वो देना है। बच्चे रिस्पैक्ट वो चीज़ है जिहड़ी जदों असीं दिंदे हाँ सानूं वापस मिल जाती है। तुसी दूसरियां दा रिस्पैक्ट करोगे तो वापस वह भी तुहाडी रिस्पैक्ट करेंगे। आदर करन दे लई तुसी की करोगे अपने परिवार विच अपने विहार दे विच आदर नूं वधाउण लई रिस्पैक्ट नूं वधाउण लई दूसरियां दी रिस्पैक्ट नूं वधाउण लई तुसी की कर सकते। सब तो पहली चीज़ बहुत बार बच्चे वेखदे आ आपां कि वह पेरेंट्स दे अगे बोलदे ने कहना नहीं मनदे लड़दे ने बिना उना दी बिना माँ बाप वालों उना लई कीते जांदे निरस्वार्थ प्यार ते देखभाल नूं अण बिना देखे बिना उहदे बारे सोचे बच्चे अपने ही सुभाअ दे विच अपने ही विहार दे विच उना दे अगे बोलदे ने उना दी कहना नहीं मनदे ते उना नूं कई वारी मंदा भी बोलदे। बच्चों ये तुसी अपने
आदत जी ही कुछ चीजां आदत ही बना लेनी है कुछ चीजां नूं। केड़ियां चीजां? जिवें कि पहली चीज ओबीडियंस, कहना मन्नो। ऐदा तो नहीं कि तुसी अपने माता पिता का कहना ना मन्नदे होवो, की तुहाडे मत सोचो, जरा पुछो उहनां नूं कि उहनां नूं इह शिकायत है तुहाडे तों, तां अपने विच थोड़ी जी तब्दीली लियाओ। कहना मन्नो, अगे नहीं बोलना, उची नहीं बोलना। विचारां विच मतभेद हो सकदे हन, हो सकता है किसी वेले तुहाडे माता पिता नालों तुसी जो गल कह रहे हो वह सही होवे, लेकिन तुसी उसनूं उहनां दे आदर माण दा ख्याल रखदे होए ही कहना है, आराम नाल ते प्यार नाल ही कहना है। इस तों इलावा बेटे, तुसी सवेरे उठदे हो ते अपने माता पिता नूं विश करके उहनां दा आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। माता पिता दी दिलों निकली असीस तुहानू तुहाडे जीवन विच बहुत दूर तक लैके जाएगी। लेकिन जे वह कहिंदे ने कि आ तां साडा कहना नहीं मानदा, सानू तंग करदा, तुसी उहनां दा दिल दिखाउंदे हो, तां फिर ये तुहाडे लई कोई बहुती चंगी गल नहीं होएगी। सवेरे उठ के उहनां नू विश करनी, उहनां दी आशीर्वाद लैना, रात नू प्यार दे नाल उहनां नू गुड नाइट विश करो। बहुत वारी ये देखण विच आंदा है कि बच्चे सुनदे ही नहीं पेरेंट्स की गल, ध्यान ही नहीं दिंदे। जदों भी तुहाडे पेरेंट्स तुहानू कोई गल कहिंदे हन, उहनू ध्यान नाल सुनो, हर गल नू ध्यान नाल सुनो, उहनू समझण की कोशिश करो। अपने घर विच वड्डियां दा सत्कार करना, ये तुसी पहली तब्दीली है जो अपने विच लियाओगे, जिस दे नाल तुसी वेखोगे कि हौली हौली तुहाडे घर का सारा माहौल ही परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी चीज है सीखना। सीखो अपने परिवार तो, अपने माता पिता तो, अपने दादा दादी तो, अपने भैन भरा तो, ते होर परिवारक मैंबरां तो, चाचा चाची, ताया ताई, जो भी है घर विच, सब तो उहनां दे जिहड़ियां चंगीआं गल्लां ने, उहनां दे जिहड़े गुण हन उह लैणे हन तुसीं। जे उहनां दे विच कोई हुनर है, जिहड़ा कुछ उहनां नूं आउंदा है, तुसीं उह सिखण दी कोशिश करनी। ये तुसी एक हैबिट ही बना लेनी है कि जिहड़ी भी चीज़ उन्हां नूं वॉच करो, जिहड़ी भी चीज़ तुहानूं लगदी है कि आ बहुत वधिया, आ काम बहुत वधिया करदे आ, वह देखो किद्दां कीता जांदा ते उहनूं करो। तीसरी चीज़ प्रशंसा करो। की तुसी कदे तुहाडे माता दे बनाए हुए खाने दा तुसी खा लैंदे हो? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
कोई भी चंगा काम किया, किते भी कोई भी गल की है, कोई चंगी गल कही है, उसकी सिफत करो, प्रशंसा जरूर करो। उसके नाल अगले नूं दूसरे बंदे नूं मोटिवेशन मिलती है, नाले उन्होंने खुशी मिलती है कि तुसी उन्हां दी कीती मेहनत या उन्हां दी समझदारी दी या उन्हां दी गल्लां दी या उन्हां किसी भी चीज़ की कदर की है तो उन्होंने चंगा कहा है। नैक्सट है बेटे कि माफ़ी मंगो। जे तुसी कुछ भी गलत किया है, जे तुसी कुछ भी गलत कहा है, गलत बोले हो, तुहाडा वर्ताव गलत सी, तां उसदे लई बेझिझक माफ़ी मंगो। बहुत बार बच्चियां विच वर्ताव देखण नूं मिलदा है कि वह लड़ते भी ने, गुस्सा भी करते ने, फिर आकड़ भी जाते हैं, वो रियलाइज भी नहीं करते कि उन्होंने गलत किया। कदे भी झगड़ा हुंदा है तां इदां नहीं हुंदा कि झगड़ा हमेशा दूसरा बंदा गलत कर रहा इसलिए होया, चाहे तुहाडे भैण भरा ने, चाहे तुसी माता पिता नाल झगड़े, इदां नहीं है कि वह गलत है तां झगड़ा होया। गलत असी भी हुंदे हाँ, तो जिन्नी क गलती तुहाडी है उहदे लई तुसी उन्हां नूं माफ़ी मंगो, चाहे तुहाडे तो छोटा है, चाहे कोई तुहाडे तो वड्डा है। अपने किते गलत काम लई, अपने कहे गलत शब्दां लई तुसी माफ़ी मंगनी है। इस तों बाद मदद करो, दूसरियां दी मदद करो। ये एक बिहेवियर है तुहाडा छोटा जिहा, जे तुहानूं इह हैबिट पै जावे कि दूसरे दी जे किसे नूं कोई लोड़ है, घर विच लोड़ है, तो तुसी दौड़ के जाओ तो उहदी हैल्प करो, ये तुहाडी एक हैबिट बन गई, तो साडी सोसाइटी लई, साडे समाज लई बहुत ही वधिया आदत है, जो नागरिकां च होवे तां समाज बहुत तरक्की करता है। ये साडे विच कित्थों डिवैलप हुंदी है, साडे परिवार चों डिवैलप हुंदी है। अक्सर देखण च आंदा है कि साडे घर विच दादा दादी ने बजुर्ग, बहुत वार वो पानी लई आवाज़ लगांदे ने ते बच्चे सुनदे ही नहीं, क्योंकि वह तां खेडण च बिजी ने, कोई होर चीज़ उन्हां नूं, कोई ऐनक नहीं लभ रही उन्हां नूं, बच्चे तो खेडन च बिजी सीगे, वो की करन। बच्चे टलन दे मारे बहुत बार गल नूं सुनदे ही नहीं। मदद करनी है तुसी, निके निके कम जेकर तुहानूं कहे जांदे हन तां तुसी दौड़ के जाओ ते उन्हां नूं करके आओ। जेकर तुहानूं नहीं भी कहा जांदा तद भी इस नूं तुसी अपनी जिम्मेवारी समझदे होए सारा दिन विच तुसी ये जरूर वेखना है कि तुसी अपने परिवार विच किस किस की मदद कीती, माता पिता की किन्नी मदद कीती, अज दे दिन दादा दादी की किन्नी मदद कीती, भैन भरावां की किन्नी मदद कीती, होर परिवारिक मैंबर ने जिहड़े तुहाडे उन्हां दी किन्नी मदद कीती, तुसी ये जरूर एक दिन विच एक बार बैठ के सोचिया करो। तो जेकर तुसी कोई मदद नहीं कीती हैगी तां इस नूं अपनी आदत नूं बदलो ते उना दी हर काम विच या बहुते कम्मा विच मदद करनी शुरू करो। अगे है बच्चियो कि समा दियो। असी अपने परिवार नूं किन्ना कुछ समा दिंदे हां, दादा दादी नाल, माता पिता नाल कुछ समा जरूर तुसी उना कोल बैठना है। जब तक तुसी कोल बैठ के गल्लां नहीं करदे, उना नूं उना दियां गल्लां नहीं पुछदे, तुसी उना बारे चंगी तरह नहीं जान पाओगे। इसदे लई ये जरूरी है कि तुसी समा कड्डो, उन्हां दे नाल बिताओ ते उन्हां दे नाल अपनी सांझ नूं गूढ़ी करो। नैक्सट है बच्चियो कि माफ़ करो। असी गलत सी, असी गलत बोले ते असी माफ़ी मंग ली, लेकिन जे साडे भैन भरा सी, असी गलत बोले, असी लड़ पए, असी माफ़ी मंग ली, लेकिन जेकर वो साडे नाल गलत बोले या वो साडे नाल झगड़ा करनगे फिर असी की करांगे। तुसी माफ करना है उना दे वर्ताव नूं समझदे होए, उना दे कारणां नूं समझदे होए। तुसी वो जे रियलाइज करदे ने तां बहुत वधिया गल है, जे नहीं रियलाइज करदे तां तुसी अपने मन दे विच उना दे लई कोई भी बुरा ख्याल नहीं रखना, गुस्सा नहीं रखना। तुसी उनू एक आदत बना लो कि माफ, मैं इसनू माफ़ किया। बहुत बार देखन चाहता है बच्चे कि साढ़े
पेरेंट्स कई बार वो क्योंकि सारा दिन अपने काम च रुझे रहे, बहुत बिजी ने, तनाव च ने, उधर किसी होर काम च सानू डांट दिंदे ने, किसी गल लई किसी चीज़ लई सानू डांट दिंदे ने। बच्चे अपने मन में गुस्सा रखते हैं, बोलते नहीं या थोड़ा उन्हां नाल बुरा बर्ताव करते ने। इहो जे सारे समयां विच तुसीं उन्हां दी स्थिति नूं समझना है, समझण दी कोशिश करनी है, अते जेकर तुहानूं उन्हां दी कोई भी गल बुरी लगती है तो तुसीं उस लई उसनूं उन्हां नूं माफ़ करना है। नैक्सट है बच्चिओ कि प्यार जताओ। तुसीं अपने परिवारिक मैंबरां नूं, अपने माता पिता नूं, अपने दादा दादी नूं, अपने भैन भरा नूं किन्ना प्यार करते हो ये तुसीं उन्हां नूं बोल के कहो, दसो उन्हां नूं। एक छोटी जी चीज़ है, उन्हां दे कदे बर्थडे आंदा है, तुहाडे पेरेंट्स दे बर्थडे आंदे ने, ठीक, उन्हां लई कुछ स्पैशल करो, कार्ड बनाओ उन्हां लई या कोई डिश बनाओ उन्हां लई, खुद कुक करो ना, कुक करो उन्हां लई कोई चीज़। ते सिर्फ बर्थडे ही क्यों, हो सकता सानूं बर्थडे पता होवे सो ना पता होवे, सिर्फ बर्थडे ही क्यों, असी किसी भी दिन कुछ दिनों बाद कुछ स्पैशल उन्हां लई कर सकते हाँ ताकि उन्हां नूं चंगा महसूस होवे, उन्हां नूं लगे कि साढ़े बच्चे साडा बहुत ध्यान रखते हैं। तुसी उन्हां नूं बहुत ध्यान रखते होगे, लेकिन बहुत प्यार करते होगे, लेकिन इस नूं जताओ, बोल के कहो, दसो उन्हां नूं। नैक्सट है बच्चो कि त्याग करो। परिवार वो जगह है जिथे जेकर असी रल मिल के रहना है तो असी स्वार्थी नहीं हो सकते। जेकर साडे माता पिता स्वार्थी हो जान तां जिन्ना कुछ तुहाडे लई करदे हन, जे तुहाडे माता पिता स्वार्थी होण तां तुहाडे लई कुछ, तुहाडे लई कोई कम ना करन, लेकिन ओह स्वार्थी नहीं हुंदे। पर अक्सर वेखण च की आउंदा हुंदा, किथे समस्या आउंदी है, बच्चे जो हन ओह आपस विच लड़ पैंदे हन, कोई भी चीज़ है उन्होंने लड़ पैना, ये मैं लैनी है या ये उसने, ठीक। कदे भी नोट करना बेटे, जेकर कोई खाण वाली चीज़ थोड़ी होएगी तो तुहाडे माता पिता खुद नहीं खाते बल्कि तुहानूं दिंदे हैं, पर अक्सर वो थोड़ी चीज़ पिछे भैन भरा आपस में लड़ पैंदे हैं कि मैं लैनी है या उसने लैनी है, उसनूं कोल वध है कि मेरे कोल वध है। जबकि ये डैडी ये एक जिहड़ी त्याग की भावना है, जिहड़ी एक देण दी भावना है, ये साडे विच होनी बहुत जरूरी है, खास तौर पर साडे भैण भरावां दे नाल साडे रिश्तेयां दे विच। इस त्याग दी भावना नूं ही आपां होर अगे वधाउंदे हाँ कि सांझ बनाओ, वंड के खाओ, जॉय ऑफ शेयरिंग। बेटे हुण आपां एक परिवार तों निकल के समाज विच आउंदे हाँ, ये समाज भी साडा ही परिवार है, ते असी ना सिर्फ अपने घर विच चीज़ वंड के लैनी है, वंड के वरतनी है, बल्कि असी इस समाज विच भी वरतनी है। सोसाइटी दे विच जेकर एक ये गल आ जावे, हर व्यक्ति च जेकर ये गल आ जावे, देण दी भावना आ जावे, दूसरे नूं देण दी, जो तुहाडे कोल एक्सेस है ज़्यादा है उसनूं दूसरे नूं दो, जो तुहाडे वरतों दा नहीं उसनूं दूसरे नूं दो, ते फिर सोसाइटी दे विच जिहड़े लोकां कोल नहीं हैगा, किसी चीज़ की घाट है, वो आराम नाल पूरी हो सकती है। पर साडे समाज दे विच एक बहुत वड्डी अवगुण पाया जाता है, हर चीज़ अपने लिए इकट्ठा करना, अपने तक रखना। बच्चो एक छोटी जी आदत है देण दी, जेकर साडी समाज दे विच लोकां दे विच इह डिवेलप हो जावे तां एक वधिया समाज दी सिरजना हो सकती है। ते इह आदत अज तों ही छोटे हुंदे तों बच्चियां दे विच डिवेलप हो जावे तां आउण वाले साडे नागरिक जिहड़े ने उह लैण लई नहीं देण लई अगे आउणगे। ते इह कोई जरूरी नहीं हुंदा बच्चो, याद रखियो कि इह जरूरी नहीं हुंदा कि जे तुसी किसे नूं कोई चीज़ देनी है तो तुसी जी बहुत तुहाडे कोल तां बहुत बहुत कुछ होना चाहिए, नहीं। अक्सर जिन्हां कोल बहुत कुछ हुंदा उन्हां दे दिल बड़े छोटे हुंदे हन, ते वह कोई निक्की चीज़ भी दूजे नूं देना जिहड़ा मुश्किल मन्नदे हन।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਰਖੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ